हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बी एड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वाले पेपर में अपन अध्ययन कर रहे थे अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट चल रही थी, उसके अंदर आज माध्यमिक स्तर का है ना, माध्यमिक स्तर यानी 9 to 10, यानी 9वीं से 10वीं क्लास के कक्षा के अंतर्गत जो समुद्री विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर अर्थशास्त्र के कुछ टॉपिकों को भी सम्मिलित किया गया और अर्थशास्त्र का संबंधित ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र से संबंधित कोई अलग से कोई पुस्तक नहीं होती, सामाजिक विज्ञान के अंदर में भी इसको सम्मिलित करते हैं, इसके प्रकरण या इसके विषय वस्तु को सम्मिलित करते हैं, इसके संबंधित ज्ञान दिया जाता है। तो माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसमें माध्यमिक स्तर पर जब अर्थशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु के लिए जाए, उसके टॉपिक को लिए जाए, प्रकरण को लिए जाए, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या कि माध्यमिक स्तर के बाद छात्र क्या करते हैं, 11th 12th यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर जाते हैं तो उन्हें विषय चुनना होता है अपने भविष्य के अंतर्गत, वो इसके अंदर ही अपना फ्यूचर बनाता है। तो अर्थशास्त्र से संबंधित अगर उनको ज्यादा तो ज्ञान दिया जाएगा, उससे माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र से संबंधित उनको कैसा ज्ञान दिया जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्थशास्त्र के प्रति रुचि होगी, वो अपने भविष्य को अर्थशास्त्र में बना सकेंगे, अपने फ्यूचर में इसके अंतर्गत अपना करियर बना सकेंगे और अर्थशास्त्र विषय पर जो चयन कर सकेंगे। तो इससे संबंधित आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र विषय का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा है इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन जरूरतों का
बच्चा बना श्रमिकों का एक संगठन है, समूह और साथ मिलकर कार्य करते हैं, उत्पत्ति के साधन इसके अंदर इसका भी व्यवस्था दी जाए। फिर आता है विनिमय, विनिमय क्रय विक्रय what
जिला प्रशासन, जिला प्रशासन प्रशासन का महत्व, ठीक है, यानी इसके अंदर आपको जिला प्रशासन का महत्व क्या है, ग्राम पंचायत कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ग्राम वाइज होती है, जिला प्रशासन जिले जिले वाइज होती है, इनका क्या महत्व है, है ना, तो इनका विकास में उनकी क्या भूमिका है देश के अर्थशास्त्र में, इनके विकास में, तो इन सभी का ज्ञान किसको होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम जब बनाया जाए तो उनमें इन सभी प्रकरण या विषय वस्तु इन टॉपिकों से संबंधित उसका ज्ञान होना चाहिए, जिससे छात्र क्या होगा, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा और अर्थशास्त्र विषय के प्रति वो क्या होगा, उसकी रुचि बढ़ेगी और वो उच्च माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र विषय पर चयन करके अपना फ्यूचर उसमें बना सकेंगे, ठीक है, और अपने फ्यूचर को विकास करेगा एक बेहतर अर्थशास्त्र विषय के रूप में, तो आज का टॉपिक ये था अर्थशास्त्र माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम, तो अब इससे संबंधित होमवर्क क्या था कि माध्यमिक स्तर पर ओके, सर, अपना ध्यान रखें और धन्यवाद पढ़ाई के लिए।